देव टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। ये देखिए मेरा गार्डनिया का, देखिए आज सुबह बंदर आए थे और कितने सारे फूल, ओहो बहुत सारा मेरा गार्डनिया और पिटूनिया को नुकसान पहुंचा के चले गए। खैर बंदर तो बंदर ही होते हैं। फ्रेंड्स मैं बात कर रही आज कैलेंडुला के सीड्स को कैसे कलेक्ट करें, ये आप देख रहे हैं ये कैलेंडुला के सीड्स हैं। और देखिए फ्रेंड्स जब इस तरह के सीड्स हो बिल्कुल भूसी, तो इस तरह के सीड्स आप कलेक्ट करें तो नेक्स्ट सीजन में भी जो फ्लावरिंग है इस तरह से, अभी तो खैर फूलों का साइज थोड़ा छोटा हो गया है क्योंकि अब इसके सीजन सुगरन जो है ख़त्म हो रही है, तो बिल्कुल बड़े बड़े इसी तरह के फिर फूल आएंगे आपके प्लांट्स में। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटा छोटा सा है और इस तरह से ये घना सा है। और एक सीड्स और दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए ये डबल पेटल्स के ये इस बार इस तरह से खिला है, ये भूसी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है तो इसके सीड्स देखिए इस तरह से आए हैं। तो इस तरह का जो आप सीड्स कलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट सीजन में जब इसका ग्रो होगा तो इसके पेटल्स या तो डबल ही आएंगे या तो सिंगल आएंगे, बिल्कुल सिंगल मतलब ये इसी तरह से रहेगा, बड़ा ही, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा, सिंगल रहेगा। तो इस तरह का भी खैर मैं ये इसको भी मैं कलेक्ट करूँगी क्योंकि ये भी बहुत सारा जब खिलता है तो पॉट्स में तो बहुत अच्छे लगते हैं। कैलेंडुला का सीड्स जो होता है जैसे पहली बार अगर आप सीड्स कलेक्ट कर रहे हो, भूसी हो आपके फ्लावर्स, तो नेक्स्ट टाइम भी मतलब नेक्स्ट ईयर भी वो आपके जो सीजन में है फ्लावर्स तो हैं बिल्कुल भूसी ही होगा, अच्छा से ही मतलब बिल्कुल घना सा बनेगा। लेकिन उसके बाद फिर वो धीरे धीरे दो से तीन बार उसी प्लांट से सीड्स लेते लेते प्लांट्स की जो सीड्स की क्वालिटी भी होती है तीसरे चौथे सीजन में जा कर के वो ख़त्म हो जाती है। जैसे एक और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसमें भी जो था बिल्कुल भूसी फ्लावर्स आए थे, इसके भी फूल बिल्कुल घने से हुए थे बड़े बड़े, लेकिन इसका सीड्स देखिए आप, उसके सीड्स में जो मैंने अभी दिखाई है आपको उसके सीड्स भी भूसी थे बहुत, उसमें भी घने ही फूल आए थे, लेकिन उसका सीड्स और इसके सीड्स में देखिए कितना अंतर है। ये इस तरह से बिल्कुल बिखरा बिखरा सा सीड्स है, मतलब टाइट जो होता है ना बिल्कुल एक घने सा वो नहीं है। तो ये सीड्स जो होते हैं अब जब मैं इसको नेक्स्ट सीजन के लिए ग्रो करूँगी इस सीड्स को, तो इसमें जो फ्लावर्स आएंगे वो डबल पेटल्स के आएंगे, भूसी नहीं होगा इसका। ये मतलब इस तरह की पहचान होती है कैलेंडुला के सीड्स की कि आपको फिर नेक्स्ट सीजन में जो है किस तरह से फ्लावर्स आएंगे आपके प्लांट्स में। तो खैर मैं इसको भी ग्रो करूँगी क्योंकि ये तो भूसी प्लांट था फ्लावर्स दे रहे थे, लेकिन नेक्स्ट सीजन में डबल पेटल्स के आएंगे तो भी ठीक है, जब बहुत सारे खिल जाते हैं तो अच्छे ही लगते हैं पॉट्स में। ये कैलेंडुला के सीड्स का होता है दो, पहली बार दूसरी बार वो फ्लावरिंग्स तो अच्छे से देते हैं, लेकिन जब उसी तीसरी चौथी बार हम जब सीड्स कलेक्ट करते हैं तो फिर उसके सीड्स अच्छी क्वालिटी की फिर नहीं होती है। और ये इस तरह से देख रहे हैं सीड्स जब ब्राउन कलर का हो जाए तब आप, ये तो खैर हवा चलता है तो अभी जैसे जैसे ये सूखता जा रहा है तो ये खुद बखुद उड़ के चले भी जा रहे हैं, इधर उधर बिखर जा रहे हैं। तो इस तरह से जब ये ब्राउन हो जाए, मैं देख रहे हैं हल्की हल्की सी ग्रीनिश है तो अभी थोड़ा सा साइड एरिया में रख दूंगी थोड़ा हल्का सूखने के लिए, तो आप किसी टिश्यू पेपर में या किसी पेपर्स में इसको लपेट करके किसी डार्क प्लेस में ऐसी जगह पर रख दें जहाँ नमी ना बने, नहीं तो नमी बन जाती है तो फिर वो सीड्स खराब हो जाते हैं। और इसकी जो सीडलिंग है वो अगस्त एंड में, खैर जब मैं सीडलिंग करूँगी तो आपको अपडेट दिखाऊंगी। और इस तरह से आप रख दें माचिस की डिबिया में, मैं माचिस की डिबिया में रखती हूँ सीड्स को। और ये तो खैर मेरे हर सिंगार के सीड्स हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हैप्पी गार्डनिंग।